प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 के बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज यह तीसरा भाग आप सबके सामने प्रस्तुत है। आज हम लोग भक्ति नामक पाठ का अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत जो बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं उनको समझेंगे। तो भक्ति जो पाठ है वह महादेव वर्मा का एक संस्मरण रेखा चित्र है, जिसमें उन्होंने अपने यहाँ काम करने वाली भक्ति नामक महिला के जीवन का चित्रण किया है। भक्ति एक गांव की रहने वाली थी और बाल्यकाल में ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। विमाता ने उसकी 5 साल की अवस्था में शादी कर दी और 9 साल की अवस्था में गौना कर दिया। उसके बाद उसका जीवन दुखों से ही परिपूर्ण रहा और उसी के बारे में यहाँ लेखिका ने बताया है। तो हम अब बहुविकल्पी प्रश्नों को शुरू करते हैं। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी? अ, उसका नाम उसके गुण के विपरीत था, जो उसका नाम था वह उसके भाग में नहीं था। श, उसका नाम समृद्धि सूचक था। द, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, अर्थात उसका नाम उसके गुण के विपरीत था। उसके जीवन में गरीबी ही रही है परंतु उसका नाम लक्ष्मी था। भक्तिन के आ जाने से महादेव वर्मा और देहाती हो गई, इस कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ध्यान देने की बात है कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो लोग बात करते हैं अब। पहला विकल्प अ, लेखिका को भक्तिन की हर बात माननी पड़ती थी। लेखिका को भक्तिन के द्वारा टूड़े मुड़े कपड़े को भी पहन करके विश्वविद्यालय जाना पड़ता था। स, लेखिका को गाढ़ी दाल और जली रोटी भी खानी पड़ जाती थी। द, लेकिन चाह कर भी भक्तिन अपनी देहाती भाषा लेखिका को नहीं सिखा पाई। तो यहाँ विकल्प जो सही नहीं है वह विकल्प है द। भक्तिन पाठ में निम्नलिखित में कौन सी समस्या नहीं दिखाई गई है? अ, संयुक्त परिवार की समस्या। ब, बाल विवाह की समस्या। स, नौकरों के शोषण की समस्या। द, लिंग भेद की समस्या। तो कौन सी समस्या इसमें नहीं दिखाई गई है? इसका उत्तर आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा। इसका उत्तर, सही उत्तर है नौकरों के शोषण की समस्या। और सारी समस्याएं इसमें इस पाठ में दिखाई गई हैं। संयुक्त परिवार की समस्या, बाल विवाह की समस्या, लिंग भेद की समस्या इस पाठ में दिखाई पड़ती है, परंतु नौकरों के शोषण की समस्या इस पाठ में दिखाई नहीं पड़ती है। भक्तिन द्वारा सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा लेने का क्या तात्पर्य है? अ, वह हनुमान जी से ज्यादा बलशाली थी। ब, वह हनुमान जी की तरह अपनी स्वामी की सेवा करती थी। स, वह अपने ऊपर अपने मालकिन का दबाव नहीं बनाने देती थी। द, उपर्युक्त तो सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही उत्तर है ब, वह हनुमान जी की तरह अपनी स्वामी की सेवा करती थी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे दुर्वह है, यह कथन वाक्य में किसके लिए आया है? तो यहाँ मेरे शब्द का अर्थ मतलब किसके लिए है? तो अ, भक्तिन के लिए। ब, महादेव वर्मा के लिए। स, दोनों के लिए। द, दोनों में से किसी के लिए नहीं। तो यहाँ सही उत्तर है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, भयहू शब्द का अर्थ क्या है? अ, छोटे भाई की पत्नी। ब, साले की पत्नी। स, बड़े भाई की पत्नी। द, पुत्र की पत्नी। तो भयहू शब्द का अर्थ होता है छोटे भाई की पत्नी, इसे भयाहू भी कहते हैं। छोटी बहू को लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अ, छोटी बहू ने चलने के लिए अलग रास्ता बना लिया। ब, छोटी बहू को सिर्फ बेटियां हुई थीं, जबकि उसकी जिठानियों को लड़के, इसलिए उसके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा था।
छोटी बहू घर परिवार की बात नहीं मान रही थी। और दम क्या है? उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ब। छोटी बहू को सिर्फ बेटियां हुई थीं, जबकि उसके जेठानी को लड़के, इसलिए उसके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा था। यहाँ लिंग भेद की समस्या दिखाई गई है। भक्तिन के जिठानी के निकम्मे लड़कों को मलाईदार दूध भात मिलता था, जबकि उसकी लड़कियों को साधारण भोजन चना और घुंघरी दिया जाता था। ऐसा क्यों? इसके उत्तर में कौन सा कथन सही है? कथन एक, क्योंकि लड़कों की समाज में इज्जत थी, क्योंकि भक्तिन की लड़कियां गोबर और कंडे पालती थीं। तीसरा विकल्प, क्योंकि समाज में लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार किया जा रहा था। चौथा उत्तर, क्योंकि लड़कियां आलसी होती हैं। तो अभी बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन एक और दो सही है, ब कथन एक और कथन तीन सही है, स कथन एक और कथन चार सही है, द कथन दो और चार सही है। तो इसका उत्तर है ब, कथन एक और तीन सही है। पहला कथन क्या है? क्योंकि लड़कों की समाज में इज्जत थी। और तीसरा कथन है, क्योंकि समाज में लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार किया जा रहा था। काग फुसुंडी जैसे लालों के सृष्टि किसने किया था? भक्तिन ने, ब भक्तिन की सास ने, स भक्तिन की जेठानियों ने, द भक्तिन की विमाता ने। इसका सही उत्तर है भक्तिन की जेठानियों ने। भक्तिन किसकी कन्या थी? गोपालिका की, भेड़ पालिका की, मुर्गी पालिका की, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है गोपालिका की। भक्तिन गोपालिका की पुत्री थी।